हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जाने वाली हूँ घूमने, तो मैं घूम कर भी वापस आ गई हूँ। और मैं कहाँ गई थी? मैं गई थी जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट में फ़र्स्ट टाइम ही गई थी और मुझे वहाँ जाकर बहुत ही मज़ा आया। हमने वहाँ बहुत इंजॉय किया और हम गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आप अगर कभी इन फ्यूचर प्लान करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। सिंस आई एम ए नेचर लवर, आप लोगों को पता है कि मुझे नेचर कितना पसंद है। और यहाँ पर आप जितनी दूर तक आप देखेंगे, हर तरफ सिर्फ आपको नेचर ही नेचर दिखेगा और आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखने वाला है। और मेरा जो रिज़ॉर्ट था वो तो जंगल के बिल्कुल पास में था और इस वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर माउंटेंस भी दिखेंगे। ये जो रिज़ॉर्ट था पूरा माउंटेन से पूरा घिरा हुआ था और यहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी थी, बिल्कुल क्लीन था। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का फूड, यहाँ की सर्विसेज, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग थी। तो जिस रिज़ॉर्ट में मैं रुकी थी, मैंने सोचा कि एक बार उसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि इन फ्यूचर कभी आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में प्लान करते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस रिज़ॉर्ट का नाम है कॉर्बेट ट्रीट और ये रहा इसका रिसेप्शन। तो हमने जो एंट्री करी थी वो हमने बैक साइड से करी थी, बिकॉज़ इनका फ्रंट से भी एक गेट था तो वो हमें पता नहीं था। और हमने बैक साइड से एंट्री करी, जो कि बिल्कुल जंगल के साइड से एक रोड जा रही है, बिल्कुल कच्ची रोड है, तो उससे हम अंदर आए थे। बट अगर आप फ्रंट वाली से एंट्री करेंगे तो वहाँ से आपको पक्की रोड मिलेगी। तो ये अभी बैक से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बस हम आ जाएंगे रिज़ॉर्ट के अंदर, आपको अंदर आते ही मिलेगा रिसेप्शन जो मैंने आपको दिखाया है, और ये है पार्टी एरिया। तो रात को यहाँ पर फुल लाइटिंग होती है, म्यूज़िक चलता है और बहुत ही मज़ा आता है। और इन्होंने इस तरीके के दो काउंटर भी लगा रखे हैं, जो कि इन्होंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाई है इनको, ठेलों पर इस तरीके से इन्होंने बनाया है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसको डेकोरेट किया है। इसमें कोटेशंस लिखी हुई हैं बहुत ही अच्छी सी, साथ में ये कैटल्स हैं जिनको इन्होंने कलर करके इस तरीके से हैंग किया है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर लाइट भी लगाई है, तो ये रात को लाइट वगैरह ऑन हो जाती है। इसका नाइट व्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि रात को ये देखने में कैसा लगता है। और मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया। मैंने यहाँ पर जो हमने स्टे किया वो हमारा 2 नाइट और 3 डेज़ का था, और यहाँ से वापस जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ग्रीनरी थी। और मॉर्निंग में जब भी आप सो के उठेंगे तो यहाँ पर इतनी सारी बर्ड्स गाना गा रही थी, पैरट तो यहाँ पर बहुत सारे थे। और मॉर्निंग में मैं पूल के पास भी बैठी थी, तो बर्ड्स क्या था कि स्विमिंग पूल में नहा नहा कर जा रही थी, और जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो सारे तो मॉर्निंग में सोते रहते थे, 8 या 9 बजे सो के उठते थे, बट मैं वहाँ पर मैं 6:30-7 बजे तक मैं उठ जा रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नेचर को एक्सप्लोर करना था, मुझे यहाँ पर नेचर को देखना था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी बर्ड्स हैं या छोटे छोटे से एनिमल्स हैं वो क्या क्या करते हैं। और इस रिज़ॉर्ट में कैट तो यहाँ पर बहुत सारी थी, कम से कम 6 से 7 कैट थी और उनके बेबी भी थे, और जो कि पूरे रिज़ॉर्ट में इस तरह से घूमते रहते थे। तो ये सामने है कॉमन वॉशरूम एरिया। अगर रात को यहाँ पर पार्टी वगैरह कर रहे हैं, अगर आपको अपने कॉटेज में नहीं जाना है, तो ये कॉमन वॉशरूम भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही नीट एंड क्लीन था। और यहाँ पर भी इन लोगों ने इस तरीके से छोटी क्यारियाँ बना के इसमें फूलों के पौधे इन्होंने लगाए हुए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर था हमारा रेस्टोरेंट एरिया, तो जिसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स वगैरह यहाँ पर सर्व किए जाते थे। बाहर का जो सिटिंग एरिया है, अगर आप अंदर खाना चाहते हैं तो अंदर भी खा सकते हैं, अगर आपको बाहर खाना है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आपको बाहर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, अपना डिनर वगैरह भी लेकर आप बाहर बैठकर आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर बुफे सिस्टम था, तो फूड के पास इनके पास बहुत ही वैरायटी थी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट इनके पास 6 से 7 तरीके का यह ब्रेकफास्ट सर्व करते थे, लंच में भी 4 से 5 आइटम इनके पास होते थे सेम डिनर में, और इवनिंग स्नैक्स में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाते थे, सैंडविच, पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें, या फिर मेन्यू से आप जो भी ऑर्डर करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज़ इनके पास इतनी वैरायटी होती थी कि हमारा पेट उसी में ही भर जाता था। तो बस जैसे ही हम रेस्टोरेंट एरिया से बाहर निकलेंगे,
तो ये इन्होंने इस तरीके से कॉटेजेस बनाए हुए हैं और इनके कॉटेजेस बहुत ही अच्छे थे, अच्छा खासा स्पेस था अंदर, और उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अंदर से देखने में कैसे थे। और ये लाइन से एक साथ ये कॉटेज इस तरह से बने हुए थे, जिनके हर कॉटेज के बाहर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की इन्होंने इस तरीके से पेंटिंग बनाई थी। और ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये सीधा पाथ है, काफ़ी लंबा सा, रात को यहाँ पर लाइटिंग हो जाती है तो ये पाथ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए इस तरीके से कॉटेज बने हुए हैं और काफ़ी सारे यहाँ पर कॉटेजेस थे और सब की सब फुल थे, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट है ये बहुत ही अच्छा है, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, इसलिए इनके यहाँ जो गेस्ट हैं वो भी रिपीटेड आते रहते हैं कि जो भी एक बार आया है वो दोबारा आकर यहीं पर ही स्टे करता है। तो जैसे ही हम ये कॉटेजेस का पूरा एरिया हम क्रॉस करेंगे, इसके आगे था पूल, तो बस इस वाले कॉटेज में हमने स्टे किया था और इसके अपोजिट में था पूल, तो पूल भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था और हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। और मॉर्निंग में भैया इसको क्लीन कर देते थे पूल को बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गेस्ट थे उसमें से कोई इतना पूल में आता नहीं था, हम लोग ही सबसे ज़्यादा पूल में जाते थे, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो 8 से 9 लोगों का था, तो हमें पूल में बहुत ही मज़े आ रहे थे। तो बस आप इस तरीके से थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा पूल, जिसके पास में इन्होंने स्विंग्स वगैरह भी लगाई हुई हैं कि अगर छोटे बच्चे वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर झूला झूल सकते हैं। वैसे तो पार्टी वाले एरिया में भी वहाँ पर हैं झूले वगैरह बच्चों के लिए, बट इस एरिया में भी झूले थे जिसमें हमने झूला वगैरह भी हम यहाँ झूलते रहते थे जब भी हम बैठते थे। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा क्यूट सा रूल बोर्ड भी बनाया था कि पूल के आसपास ड्रिंक्स भी अलाउड नहीं है, पूल के आसपास आप यहाँ पर पेट्स भी नहीं ला सकते, कांच की कोई भी चीज़ जैसे बॉटल हो गया, ग्लासेस हो गया, वो भी अलाउड नहीं था, और पूल में डाइविंग भी अलाउड नहीं थी। तो ये सारे कुछ छोटे मोटे रूल्स थे जो कि हमने यहाँ पर फॉलो किए। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप रिजॉर्ट की वीडियो बना लो, क्योंकि मुझे स्विंग में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं तो बस आराम से बैठ के मैं झूल रही थी। सुबह सुबह की हल्की हल्की सी धूप आ रही थी, मौसम यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जा रही थी बट मॉर्निंग में वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था, 9 बजे तक वेदर काफ़ी अच्छा होता था, हल्की हल्की सी ठंड और सुबह की इतनी अच्छी सी धूप, बिल्कुल विटामिन डी मैं आराम से बैठ के ले रही थी। और ये था पूल वाला एरिया जहाँ पर हम हर दिन हम यहाँ पर 4 से 5 घंटे तो हम स्पेंड करते ही करते थे, मॉर्निंग में 2 घंटे और शाम को जब भी घूम के वापस आते थे तो 2 से 3 घंटे तो इस तरीके से हम पूल में स्पेंड करते थे। और आप देख सकते हैं कि इसके आसपास भी कितने कम रिजॉर्ट बने हुए हैं, बहुत ही कम रिजॉर्ट हैं, जो भी हैं वो भी काफ़ी डिस्टेंस पर हैं वो। और इस पूरे रिजॉर्ट से आपको पूरा जो भी है जंगल एरिया, जो भी हिल स्टेशन है, वो सारे आपको यहाँ से दिखेंगे, पूरा पहाड़ों से ये रिजॉर्ट घिरा हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन है, जो कि अभी सफाई चल रही थी, सुबह के बजे थे 7:30 और अभी बस पूरे रिजॉर्ट की क्लीनिंग हो रही थी, बट उस पर भी ये कितना क्लीन है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने प्लांट्स लगा रखे थे, जो माली भैया थे वो यहाँ पर हमेशा हमें काम करते दिख जाते थे, हमेशा वो कुछ ना कुछ पेड़ पौधों में करते रहते थे। फ्रूट के भी इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगाए थे, ट्रीज थे यहाँ पर, अमरूद का पेड़ था यहाँ पर, पपीते का पेड़ था यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें तो जगह जगह लगी थी। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मैं चक्राता भी जब मैं घूमने गई थी तो देहरादून रास्ते में पड़ता है, देहरादून क्रॉस करते हुए हम गए थे चक्राता, और अभी भी मैं जब जिम कॉर्बेट आई हूँ तो यहाँ पर लोग जो गुड़हल होता है उसका पेड़ ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि गुड़हल का मैंने देखा पेड़ हर किसी के घर के बाहर लगा हुआ था। और यहाँ रिजॉर्ट के अंदर भी इन्होंने बहुत टाइप की वैरायटी के इन्होंने गुड़हल लगाए हुए थे और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। गुड़हल जो होता है आई थिंक वो गणेश जी का फूल होता है, शायद वो शुभ होता है इसलिए लगाते होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर रोज़ भी लगे हुए थे, रोज़ इतने ज़्यादा नहीं थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने चांदनी लगा रखी थी, क्योंकि चांदनी जो डॉफ वैरायटी वाली आती है वो लगाई थी, बिकॉज उसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। इसके साथ ही इन्होंने रेन लिली भी यहाँ पर बहुत लगाई थी, तो रेन लिली, चांदनी, ये सारी चीज़ें लगाई थी मैं और मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में, हम रिजॉर्ट का हम वॉक करते थे वहाँ पर, क्योंकि इतने ग्रीन एरिया में वॉक करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर। तो हम तो सुबह 3 से 4 चक्कर हम काटते थे, उसके बाद फिर हम पूल के पास
में स्विंग में आराम से बैठते थे और बर्ड्स को मॉर्निंग में नहाते हुए देखते थे। तो बस इस तरीके से इन्होंने कॉटेजेस बना रखे हैं। ये देखिए ऐसे ही सारे और जितने भी कॉटेजेस बने हैं वो सारे सेम स्टाइल के बने हैं, सेम स्ट्रक्चर है, किसी का भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं है। और इनके पास में कुछ ऐसे भी कॉटेज हैं कि जिनके जो रूम हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप कभी फैमिली के साथ में आते हैं, अगर आप जैसे पेरेंट्स हैं, किड्स हैं या और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप इस तरीके से जो भी जॉइंट रूम है आप वो भी ले सकते हैं। वो आपस में ही अंदर से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो आप एक रूम से दूसरे रूम में भी जा सकते हैं, आपको मेन डोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल बटन होता है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए बस हम इस तरीके से अब हम चलते जाएंगे और अभी हम आ जाएंगे मेन गेट पर। तो मेन गेट से अगर आप आते हैं तो वहाँ पर इजीली गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी, काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने पार्किंग बनाई है। और अगर आप बैक साइड वाले गेट से आएंगे तो वहाँ का रास्ता थोड़ा कच्चा है, वहाँ पर फेंसिंग भी है, तो वहाँ से आने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पर ओस भी बहुत अच्छी खासी गिर रही थी, बिकॉज जब भी हम मॉर्निंग में सो के उठे हमने देखा तो पूरी घास पर पूरा ओस ही ओस पड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छा खासा गीला हो चुका था। और जो इन्होंने इस तरीके के ट्रीज़ लगाए हैं, इनकी पत्तियों से बिल्कुल ओस की बूंदें ऐसी गिरती हुई बहुत ही देखने में सुंदर लग रही थी। तो बस देखिए अभी ये रिज़ॉर्ट ये ख़त्म होने वाला है और अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल एंड में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सामने काफ़ी अच्छी खासी गाड़ियों की पार्किंग है, तो पार्किंग की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा जगह थी, आप कहीं भी गाड़ी आप अपनी पार्क करें। और रिज़ॉर्ट भी बिल्कुल शांत था क्योंकि ये इतना बड़ा था कि यहाँ पर जितने भी कॉटेजेस हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉटेजेस ही कॉटेजेस बना दिए हैं और ग्रीनरी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे कॉटेजेस के बीच में काफ़ी एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ था ग्रीन, और यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। सारे कॉटेजेस भरे हुए थे बट बिल्कुल भी क्राउड नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि जगह इन्होंने स्पेस बहुत छोड़ा हुआ है। तो बस देखिए ये आ गई है मेन पार्किंग। तो ये था मेरे रिज़ॉर्ट का टूर। और आपको ये रिज़ॉर्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसको भी अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखें, पेड़ पौधे ज़रूर से ज़रूर लगाएं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो जो भी हैं उनको बचाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।